अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो टेक्स्ट फाइल थे एसडीआर फाइल किस तरह कन्वर्ट की जाती है। जो एसडीआर फाइल वो फाइल होती है जो सोकिए की टोर सेशन में इस्तेमाल होती है। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं टेक्स्ट फाइल में कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसको एसडीआर फाइल में कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट किया जाता है। फिर वो एसडीआर फाइल को कापी करके आप टोर सेशन मशीन में लाएँगे और तब वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो काम करेंगे जब वो फाइल एसडीआर फाइल में कन्वर्ट होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास ये सोकिए लिंक है सॉफ्टवेयर, इसको आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह आपके पास आइकन आएगा और इसको आपने ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह फॉर्मेट आ जाएगा, या अगर इसके अलावा अगर आप इसको वैसे ओपन करेंगे तो ये देखें, ये इस तरह फॉर्मेट आ जाएगा। फर्स्ट टाइम जब ओपन करेंगे तो ये सामने ओके लिखा हुआ है ये वाला, तो ये इस ओके की जगह पर सबसे पहले आप जब ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आएगा तो आपने सबसे पहले इस जो फाइल होगी इसको सोके लिंक को इसको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करके तब ये आपकी एप्लीकेशन जो होगी ये काम करेगा सॉफ्टवेयर। तो इसको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुआ है ये प्रोग्राम जो है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है ओके जगह, तो आपने इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद सामने एक फोल्डर आएगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक पेन ड्राइव यूएसबी में आपको फाइल एसडीआर एक फाइल चाहिए होगी, तो वो आप यूएसबी लगाएंगे। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद वो यूएसबी वाला फ़ोल्डर खोलेंगे। वो फ़ोल्डर ओपन करने के बाद वहाँ पर जो फाइल पड़ी होगी एसडीआर फाइल जो आपके पास ऑलरेडी पड़ी होगी उसको आप ओपन करेंगे, तो ये आपका जो लिंक है रजिस्ट्रेशन जो है हो जाएगी इस शो के लिंक की। तो उसके बाद ये आपका काम करने के लिए ये तैयार हो जाएगा। तो ये अभी हमारे पास पहले से रजिस्ट्रेशन हुई है, उसके लिए भी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, वो बिल्कुल आसान तरीक़ाकार है। तो इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये हमारे पास आइकन आ गया, टोटल रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आ गया है छोटा सा, और टोटल रजिस्ट्रेशन छोटी सी बनी हुई है, इसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हमने आना है ओपन डेटा पर, ठीक है, ये हमारे पास है ओपन डेटा, तो इसको हम क्लिक करेंगे ओपन डेटा को। ओपन डेटा को क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने फाइल सेलेक्ट करनी है, वो हमारी डेस्कटॉप पे जो फाइल पड़ी हुई है टेक्स्ट फाइल ये मजमा के नाम से, तो ये हमारी फाइल है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास वो उस फाइल के कोऑर्डिनेट्स आ गए नॉर्थिंग ईस्टिंग और ये इधर एलिवेशन आ गए कोड के पास, तो ये हमारी है जो कॉमा डेनिमेटेड जो फाइल है ये नॉर्थिंग है पहले ईस्टिंग है, तो यहाँ पर अगर ईस्टिंग और नॉर्थिंग हुई तो यहाँ पर ईस्टिंग होगी नॉर्थिंग होगी पहले थर्ड नंबर पे, फिर अगर ये सेलेक्ट करेंगे पहले ईस्टिंग है तो पहले ये सेलेक्ट कर लेंगे, पहले अगर नॉर्थिंग है तो ये सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद हम इसको करेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद ये हमारे पास आ गया ऑप्शन एसडीआर फाइल, और ये हमारे पास ऑप्शन है एसडीआर 20, एसडीआर 33 फाइल्ड बुक और एसडीआर 20 कोऑर्डिनेट्स, एसडीआर 33 कोऑर्डिनेट्स, तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे एसडीआर 33 कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद हम इसको ओके कर लेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद हमारे पास है ये नीचे हम इस फाइल का नाम लिख लेंगे, तो ये हमारे पास है मजमा के एस ए, ठीक है, एस डी आर यहाँ पर लिख लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे कि इसको हमने डेस्कटॉप पे लेके जाना है, ठीक है, तो इधर हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये हमारी फाइल उधर चली गई है, उसके बाद हम इसको क्लोज कर लेंगे, ठीक है। तो हमने उस फाइल को इधर डेस्कटॉप में मजमा एसडीआर के नाम से, मजमा के एस एसडीआर के नाम से ये दे देखें, ये मजमा
कि ऐसे SDR, ये फाइल हमारे पास SDR की फाइल आ गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास, ये देखें हमारे पास ये SDR 33, और ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, ये हमारा एलिवेशन हो गया, और ये हमारे पास ये SDR की फाइल अभी तैयार है। तो इसको हम कॉपी करेंगे USB में, और USB से कॉपी करके इसको हम टोट सेक्शन में कॉपी करेंगे, तो ये तब ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं ये काम करेंगे। पहले हमारे पास ये फाइल मौजूद थी, ये जो टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, इसकी ऑलरेडी ये टेक्स्ट फाइल कैसे बनाते हैं, इसकी ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। और फिर टेक्स्ट फाइल से जो है एक्सेल से टेक्स्ट फाइल कैसे बनाते हैं, और फिर टेक्स्ट फाइल से SDR फाइल कैसे बनाते हैं, तो ये इसका इसकी वीडियो पहले बनी हुई है, तो ये दोनों वीडियो आप देख सकते हैं इस चैनल पे। इसके बारे में कोई भी अगर आपने सवाल करना हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।